नमस्कार दोस्तों, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल से ही उसकी नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक्टिवेट करने से क्या होता है कि अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है या डेबिट कार्ड लिया है तो आप उसे अपने मोबाइल से ही एक्टिवेट कर सकते हो, उसको रजिस्टर कर सकते हो अपने नेट बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट में। तो नेट बैंकिंग यूज कैसे करनी है, एक्टिवेट कैसे करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। जो वीडियो दोस्तों काफ़ी छोटी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और काफ़ी अच्छे तरीके से क्विक तरीके से अब मैं आपको समझाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको गूगल ओपन कर लेना है अपने फ़ोन में। ओपन करने के सर्च में आपको टाइप करना है HDFC नेट बैंकिंग। जब आप फिर टाइप करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको ऊपर वाले पे ही क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन पेज पर जैसे क्लिक कर देना रेड लाइन पर। यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको यूजर आईडी या कस्टमर आईडी मांगेगा। दोस्तों कस्टमर आईडी क्या होती है, जो आपको आपकी जो पासबुक होती है उसमें मिल जाएगी। कस्टमर आईडी और यूजर आईडी एक ही होती है, तो उस पासबुक में दोस्तों लिखी होती है वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं डालता हूँ, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने कस्टमर आईडी अपनी डाल दी है, ये थोड़ा फोकस लेने में दिक्कत कर रहा है। ये देखिए मैंने कस्टमर आईडी डाल दी है, मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है अपना पासवर्ड IPIN। तो दोस्तों IPIN क्या होता है, ये आपको मिल जाएगा आपके जब आपने ये अकाउंट लिया होगा तो आपके टाइम उस टाइम पे दोस्तों आपको जो पूरी किट मिलती है उसमें एक पेपर होता है, उसमें IPIN मिलता है। अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो आप फॉरगेट पे क्लिक कर सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड पे। और जब आप जिस फ़ोन से फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको उस फ़ोन में अपनी वही सिम डालनी है जो सिम दोस्तों आपने अपने अकाउंट में लगाई हुई है। क्योंकि स्पोर्टी वगैरह आते हैं तो आप आसानी से रिकवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं अपनी इसमें IPIN डालता हूँ। IPIN दोस्तों डालने के बाद दोस्तों फिर मैं आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके दिखाता हूँ, क्योंकि IPIN के बाद ही हमारे अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपनी IPIN डाल दी है। अब दोस्तों आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना है जो लिखा हुआ है दोस्तों साइड में, देख रहा होगा आपको दिस इज माई सिक्योर IDD। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए मेरा यहाँ पे अकाउंट ओपन हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों सब कुछ ओपन हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप अपनी नेट बैंकिंग ओपन कर सकते हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नेट बैंकिंग तुरंत ओपन हो जाती है, बट काफ़ी लोगों को लगता है कि नेट बैंकिंग ओपन करना काफ़ी मुश्किल है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किसी अदर बैंक में आप फिर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके दोस्तों आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा फंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में आके। बट दोस्तों मेरा पहले से ऑन है तो दोस्तों इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। बट आपको क्या करना होता है, फंड ट्रांसफर पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको फंड ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसमें दोस्तों कुछ फॉर्मेलिटी होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको फंड ट्रांसफर वाला जो ऑप्शन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आप किसी पर भी कहीं पर भी जाके कैसा भी करके आप किसी भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो या अपने अकाउंट में मंगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बट जब तक दोस्तों आपका यह फंड ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है जो ओपन नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक आप HDFC बैंक पे ही किसी अदर, अगर आप किसी को पैसे भेजना चाहते हो तो उसका अकाउंट HDFC बैंक में होगा फिर तो आप भेज सकते हो, नहीं तो आप नहीं भेज सकते जब तक आपका फंड ट्रांसफ़र ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो मेरा एक्टिवेट है तो मैं आपको अभी लगा के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुका है। बट उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाई ना होगा, रजिस्टर ना होगा इस तरीके से। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है और जो जो फॉर्मेलिटी मांगता जाता है वो आपको पूरी कर देनी है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूरे कर देने हैं तो ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे है कार्ड का ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे मेरा कोई भी कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों के ऑप्शन आते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आपने जो भी अप्लाई किया है वो आपको यहाँ कैसे रजिस्टर कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है तो आप अगली वीडियो का वेट भी करना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।